ये क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 4.2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व की जाती है। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। वन पहला ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 10x का स्क्वायर जो है, ये 10x का स्क्वायर जो है, इसके दो हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 3x आना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आना चाहिए। तो इसके हम दो फैक्ट करते हैं, 2 5 5 5। तो ये हमारा आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 5 हमारा बड़ा है तो हमारा ये माइनस में आना चाहिए 3, तो ये हम माइनस का 5x ले लेंगे और 2 जो है हमारा प्लस कराएगा। जब हम इसको जो है घटाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम देखेंगे इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या चीज़ है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हम इन दोनों में से एक्स से कॉमन कर लेते हैं। अब अंदर बचता है, यहाँ 2x था, हमारे यहाँ एक्स हमने बाहर ले लिया, यहाँ 1x बचा माइनस। अब यहाँ पे 5x है, एक्स चला गया, केवल 5 बचा। अब यहाँ पे इसी तरह हम करेंगे, 2 5 5 10 और 2, ये दोनों में से 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक्स बचा और यहाँ पे हमारा 5 2 5 जा 10। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0। अब ये और ये हमारा जो है एक उस ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स प्लस 2, और ये हमारा कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। और एक्स पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स हमारा जो है लेफ्ट साइड रहेगा और इक्वल टू, ये 2 हमारा जब इधर आएगा राइट साइड तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, और एक्स हमारा क्योंकि तो हमारा यहाँ 5 माइनस में है तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो हमारी आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 2 कॉमा 5। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है।